हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जालिम लोशन के बारे में। इस लोशन के क्या फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं और इसे किस प्रकार से लगाया जाता है, कितने दिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, जालिम लोशन आता है ओरिएंट केमिकल वर्क का और ये इंदौर में बनता है। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा पहले कि ये एक पॉइजन होता है, जहर होता है, तो बच्चों की पहुँच से बिल्कुल दूर रखिएगा। और इसका जो सॉल्ट है, जो इसमें फॉर्मूला होता है, वो होता है एसिड सैलिसाइलिक एसिड और लिक्विड कैसिया डोरा टिंचर आयोडीन फिनॉल क्रिस्टल वॉयलेट। और इसका जो MRP होता है वो है 2500 रुपये। 10 ml की बोतल आपको मिलेगी ये मार्केट से। और ये कुछ इस प्रकार होती है, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं इसके प्रयोग की, ये किस काम में आती है। दोस्तों, जालिम लोशन का प्रयोग रिंग वॉर्म और इचेस को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी कि हर प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, खुजलीदार लाल चकत्ते और हर प्रकार के चर्म रोग, रिंग वॉर्म, जो गोल गोल फंगल इन्फेक्शन, गोल जो दाद होती है वो जो बढ़ती रहती है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया होती है, बेस्ट होती है, बिल्कुल जड़ से ठीक कर देगी। और फोड़ा फुंसी के लिए बहुत बढ़िया होती है, जांघों के बीच की खुजली हो या फिर छोटे छोटे फिंसी बनाकर दाद जो बढ़ती रहती है उसके लिए भी बहुत बढ़िया होती है। यानी कि ये हर प्रकार के दाद, खाज, खुजली के लिए बहुत बढ़िया दवाई है और ये बहुत पुरानी है दोस्तों। 1929 से लेकर अभी तक ये नंबर वन बनी हुई है दाद, खाज, खुजली के लिए। और इसे लगाने का तरीका दोस्तों, सिलाई में या फिर लकड़ी में थोड़ी सी रुई लपेट कर एक दिन में एक बार लगाना है इसे। और अगर ज़्यादा पुराना दाद, खाज, खुजली है तो आप इसे 2 टाइम भी लगा सकते हैं। और 2 दिन इसको लगाने के बाद क्वाड्रीडर्म क्रीम का भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे दिन क्वाड्रीडर्म क्रीम को लगाना है, फिर उसके बाद जो है फिर इसी को लगाना है। ऐसा कुछ दिन लगातार करने से जो पुराना वाला दाद, खाज, खुजली होगा वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये लगाते ही बिल्कुल सूख जाती है, कपड़ों पर नहीं लगती है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है वो तुरंत इसे सुखा देती है। और इसको लगाने से थोड़ी जलन जरूर होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी जड़ से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको इसको लगाने से कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दर्द होना या फिर वहाँ पर सूजन आना, खुजली होना, ये सब अगर कोई दिक्कत आती है इसको लगाने से, तो आपको इसे तुरंत बंद करके डॉक्टर को दिखवाना चाहिए। और दोस्तों, इसे बिल्कुल बाहरी सतह पर ही लगाना चाहिए, अंदरूनी सतह पर नहीं लगाया जाता है, यानी कि चमड़ी पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना है जरूरी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।